चौराहे पर खड़े हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब कैसे बनेंगे पीएम? क्या लालू यादव से दूर होंगे सुशासन बाबू? इंडी अलायंस की बैठक में रखा खुद पर काबू। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में चौथी बैठक हुई। इस बैठक में सीट शेयरिंग से लेकर पीएम पद के नाम जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें, बैठक की वीडियो में जो सामने आया उसे देखकर ये साफ नजर आ रहा है कि विपक्षी दलों के गठजोड़ से बनी इंडी अलायंस में नीतीश को वैसी भूमिका नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। साल 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ जाना पसंद किया। इसके पीछे उनकी पहली मंशा ये थी कि सीएम की कुर्सी सलामत रहे। ठीक इसके समानांतर एक और चर्चा भीतर ही भीतर जोर पकड़ रही थी कि बिहार में महागठबंधन की तर्ज पर नीतीश कुमार देश भर के विपक्षी दलों का अलायंस बनाने के प्रयास में लगेंगे। वहीं उन्हें ये टास्क सरकार में सहयोगी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने ही दिया था। अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और लालू यादव के बेहद करीबी जगदानंद सिंह ने कहा था कि लालू जी ने नीतीश को जीत का टीका लगा दिया है। लालू का जिन्हें आशीर्वाद मिलता है वो पीएम बन ही जाता है, इसलिए नीतीश जी का पीएम बनना अब पक्का है। इसके बाद नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में रखी। बैठक में दर्जन भर से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता जुटे। नीतीश ने यहां अपनी सांगठनिक क्षमता का परिचय दिया। इतना करने के बावजूद नीतीश कुमार को पहला झटका भी इसी बैठक में लगा, जब राहुल गांधी के दुल्हा बनने और विपक्षी नेताओं को बराती बनने की बात कहकर लालू यादव ने विपक्षी एकता की कमान कांग्रेस के हाथ में जाने का संकेत दे दिया। वहीं नीतीश कुमार की सारी मेहनत पर भी पानी फिर गया। इसके बाद सियासी गलियारों में ये बात खूब चर्चा में रही कि नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन पहली बैठक में तो इसकी चर्चा ही नहीं हुई और बाद की बैठकों में भी संयोजक बनाने की बात नहीं उठी। लालू यादव ने खुद ही कह दिया कि संयोजक बनाने की जरूरत ही क्या है, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन चुनाव लड़ेगा। वहीं दिल्ली में 19 दिसंबर को हुई विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक में नीतीश कुमार गए तो उम्मीदवारों के साथ, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव पीएम पद के लिए कर दिया। अब नीतीश कुमार की नाराजगी इससे भी साझा की जा सकती है कि उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बगैर पटना का रुख कर लिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश और लालू की नाराजगी क्या गुल खिलाएगी।